अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मेरा नाम है शहबाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहबाज हुसैन द वर्ल्ड। इस चैनल में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है अगर आप दुबई में लिमोज़िन का काम स्टार्ट करना चाहते हैं, या आप दुबई में फैमिली के साथ सेटल होना चाहते हैं, या फिर अगर आप फ्रीलांसर वीजे के ऊपर दुबई में आना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मुझसे कॉन्टेक्ट करने के लिए आपको मेरा ईमेल एड्रेस मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर इस वीडियो में मैं डालना भूल जाऊं तो जो लास्ट वीडियोस हैं वहां पे आपको जरूर मेरा ईमेल एड्रेस मिल जाएगा, वहां से मुझे मेल कर दें तो मैं जैसे ही कभी फारिग होऊंगा तो मैं सब ईमेल का एक साथ ही रिप्लाई कर दूंगा, और अगर जरूरी हुआ तो आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी फॉरवर्ड कर दूंगा। दुबई बेस्ट प्लेस सिक्योरिटी के लिहाज से क्यों है, आपके साथ एक वाक्या शेयर करना चाहता हूं जो मेरे पर्सनली मेरा खुद एक्सपीरियंस गुजरा, तो उससे आपको पता चलेगा कि किस कदर सिक्योरिटी है, किस अगर फैमिली के साथ दुबई में रहना है या अगर आप अकेले भी रहना चाहते हैं तो किस कदर सेफ है दुबई रहने के लिए फैमिली के साथ, या फिर आप अकेले भी अगर रहते हैं तो किस कदर सेफ हैं आप। वाकया होता है कि मैं एक जगह गाड़ी पार्किंग करने के लिए वेट कर रहा हूं, और वाकया ये है कि एक दिन किसी जगह पे मैं गया, वहां पे मुझे पार्किंग चाहिए थी, मुझे पार्किंग नहीं मिली, तो पार्किंग के लिए मैं वेट कर रहा हूं कि कोई गाड़ी निकलेगी तो मैं वहां पे पार्क कर दूंगा। 5-10 मिनट के बाद जो मेरे जहां पे मैं खड़ा हुआ था उससे दूसरी या तीसरी गाड़ी वो निकलती है बाहर। जैसे ही उसने गाड़ी बाहर की तरफ निकाली तो पीछे से एक और गाड़ी आ रही थी, जिसने देखा कि ये गाड़ी बाहर निकली तो जल्दी से मैं यहां पे डाल दूं, क्योंकि जल्दी से जैसे ही उस बंदे ने गाड़ी बाहर निकाली, क्योंकि मैं तो उसके बिल्कुल वेटिंग में था और वेट कर रहा था उसका, तो मेरा राइट था कि मैं वहां पे पार्क करूं। लेकिन जैसे ही पीछे से एक आती हुई गाड़ी ने देखा कि यहाँ पे पार्किंग अवेलेबल है, उसने कहा जी कि मैं यहाँ पे पार्क करूं, तो उसने फौरन लाके पार्क करने की कोशिश की, तो मैं क्योंकि मैं तो उस पोजिशन में था मैंने फौरन गाड़ी अंदर पार्किंग कर दी। वो बंदा गुस्से से तिलमिला उठा कि ये क्या हो गया यार, ये पार्किंग तो वो मैं कर रहा था, तो ये बंदा पहले वो बंदा जी गुस्से से आग बगुला होके मेरे पास आया कि ये मेरी पार्किंग है। उसने क्या किया, ये दरवाजा खोला और जैसे मैं बैठा हूं इसी कंडीशन में आके उसने अपना बाजू ये वाला ऐसे रखा कि ये मेरी पार्किंग है, गाड़ी यहां से बाहर निकालो, मैं पार्क करूंगा यहां पे। सिक्योरिटी, अब मैं आपको पूरा वाक्य आपको बता दूं, ईच एंड एवरीथिंग जैसे भी हुआ, तो फिर उसके बाद जो एक्शन हुआ वो आपको बता दूं। एक एक चीज प्लीज काइंडली वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और वो लोग जो दुबई में आना चाहते हैं उसके साथ उन लोगों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर दें, ताकि उनको भी पता चल सके कि किस कदर सिक्योरिटी के क्या हालात हैं और क्या आप सेफ हैं यहाँ पे रहते हुए या नहीं। उस बंदे ने जी हरकत की, ये वाला दरवाजा खोला, बाजू मेरी गर्दन पे यहाँ पे रखा कि गाड़ी यहां से बाहर निकालो, मुझे अपनी गाड़ी यहां पे पार्क करनी है। वो उस टाइम मैंने ग्लासेस पहने हुए थे, सन ग्लासेस थे, उसने वो ग्लासेस उतारे मेरे और ऐसे हाथ से तोड़ के तो मेरे साथ यहाँ पे सीट के वहां पे फेंक दिए, और गर्दन से मुझे ऐसे बाजू रख के मुझे गर्दन पे दबाया गाड़ी बाहर निकालो, चाबी ढूंढ रहा है, क्योंकि ये तो कार्डलेस एंट्री होती है हमारी गाड़ी की अंदर, वो चाबी जो थी मेरी पॉकेट के अंदर थी। वो बंदा चाबी ढूंढ रहा, उसे चाबी नहीं मिली, उतरा नीचे, क्या किया, दरवाजा खुला हुआ था ना, उसने खोला हुआ था, उसने दृढ़ जोर से दरवाजा बंद किया, तो मुझे कहता बाहर निकलो, मैं बाहर निकला, तो उसने अपनी किक के साथ जो शूज पहने हुए थे डिग्गी के ऊपर जाके पीछे पंच किया, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, पीछे शूज पहने थे उस शूजों से किक मारी, और जो वहां पे के साथ उसने किक्के मार के वो जो डिग्गी है बैक साइड पे वहां पे, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, वहां पे डेंट डाल दिया, और नीचे जो बम्पर था उसके ऊपर जो लाइट होती है वो भी डैमेज कर। ये देखो यार, ये वाला डेंट है, वो ये डेंट है ना, यहाँ से शायद पता चल रहा है आपको कि नहीं, ये वाला डेंट है जो उसने पाँव से ये बनाया था, और साथ में ये वाली लाइट जो है ये वाली तोड़ दी थी पाँव मार के, ये वाला है वो डेंट जो उस बंदे ने मारा है। डैमेज करने के बाद उसने, मैं जब बाहर निकला तो उसने कोशिश की मुझे हिट करने के लिए, बाजू से ऐसे मुक्का मारने के लिए कोशिश की, तो मैं उससे बचा, बच के भागा, मतलब थोड़ा पीछे हटा, जब उसने पंच करने की कोशिश की तो मैं थोड़ा पीछे हटा, मुक्का मारने पीछे हटा, और फिर वो जब भागा मेरी तरफ, क्योंकि उसकी गाड़ी पार्किंग के बाहर खड़ी हुई थी, मैं उसकी गाड़ी के थोड़ा साइड पे हो गया और वो पीछे मेरे भाग रहा है, तो मैं उसके आगे आगे ऐसे उससे बचने के लिए कि मुझे पकड़े ना और मारे ना, उससे बचने के लिए ऐसे पकड़ के ऐसे भाग रहा हूँ उसको, उससे बचने के लिए।
तो उसने जब देखा कि अब ये तो आगे के भागने, अब मैं इसको मार नहीं सकता, तो दो तीन दफा उसने कोशिश की भाग के, ऐसे डोंट लगाया तो मैं नहीं पकड़ा, मैं क्योंकि मुझे पता कि ये पकड़ेगा तो कोई ये मुझे नुकसान पहुंचाएगा, अपने बच के मैं अपनी जान बचाऊं यार जी। मैं चार पांच चक्कर लगाए, सिक्योरिटी वाला खड़ा हुआ, दो चार गाड़ियां और भी खड़ी हुई, तो उस बंदे ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं किसी तरीके से बचा वहां से, उसने गाड़ी मेरी डैमेज कर दी। बाद में थोड़ी देर के बाद उसको पार्किंग मिली, पार्किंग लगा के तो दोबारा से मेरे पीछे आया। मैं तो ऑलरेडी उसको देख रहा था क्योंकि ये दोबारा फिर आएगा, वो आया, उसने दोबारा से मेरे पास आके मुझे कहता है कि तुम मुझे सॉरी बोलो, हालांकि दरवाजा खोल के मेरी गर्दन पे पुश किया, मेरी ऐनक तोड़ी, मेरी गाड़ी को डैमेज किया, फिर आके मुझे कहता है कि तुम सॉरी बोलो। मैंने कहा मैं किस बात का सॉरी बोलूं, चलो जी वो बात भी होगी। बाद में कहता है कि मुझे, मैंने कहा मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन करूंगा, कहता है कि तुम जहां पे मर्जी कंप्लेन, मुझे कोई खौफ नहीं है किसी का। मैंने कहा क्या बोला तुम दोबारा से, मतलब मैंने, मुझे पता है कि यहां पे जुर्म है, यहां पे आपको किसी की वीडियो नहीं बनानी चाहिए, लेकिन मैंने फिर भी मैंने कहा कि बोलो पुलिस के बारे में क्या बोल रहे हो। तो उसने आया, पास आया, मेरा मोबाइल छीना, मेरा मोबाइल छीन के तो ले गया, मोबाइल भी लेके चला गया। अब मेरे पास जो कॉन्टेक्ट का जरिया था, किसी से अगर पुलिस को बुलाऊं मुझे मोबाइल चाहिए, मोबाइल तो वो लेके चला गया। मैं गाड़ी में गया, वहां से पेन और कागज निकाला, निकाल के आ रहा हूं, आगे सिक्योरिटी वाला खड़ा हुआ था। सिक्योरिटी वाले ने कहा कि यार आपका मोबाइल ना उसने यहां पे फेंका था, तो हमने पकड़ के तो यहां पे रख लिया। वो सिक्योरिटी वाले से मैंने मोबाइल लिया, उसने कहा पुलिस को कॉल करें, हम बताएंगे कि जो वाकया यहां पे हुआ। उस दिन क्या था कि एक एग्जीबिशन हो रही थी जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा बिजी था, तो मैं उस दिन पुलिस स्टेशन नहीं जा पाया, कंप्लेन नहीं कर पाया। उससे 5-6 दिन बाद जब मैं फारिग हुआ, क्योंकि वो तकरीबन 15-16 घंटे मेरे उस टाइम मैं बिजी होता था पूरे दिन में, और बाद में ना इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि जाके करूं, पुलिस स्टेशन गया, जाके डिटेल बताई, उन्होंने कहा कि आप उसी जगह पे जाइए जहां पे ये वाकया हुआ था, पुलिस वहां पे आएगी। वहां पे मैं गया, जाके पुलिस को कॉल की, पुलिस आई, उनको सारा वाकया बताया कि यहां पे इस जगह पे ये चीज हुई थी। उन्होंने देखा वहां पे कैमरा कोई नहीं था, उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपकी रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं, आपको मैसेज आएगा, फिर आपने मैसेज को फॉलो करना है। वो मैसेज आया मुझे, एक दो दिन के बाद मैसेज आया, उन्होंने कहा जी आपको जाना पड़ेगा। उन्होंने दो तीन दिन के बाद मुझे मैसेज आया, उन्होंने मुझे दोबारा से पुलिस स्टेशन में बुलाया। मैं पुलिस स्टेशन पे गया, उन्होंने कहा कि ये बंदा देखें, ये बंदा है। मैंने उस बंदे की जो गाड़ी की फोटो थी, गाड़ी की फोटो खींच ली थी, तो वो नंबर मैंने ऑलरेडी जो पुलिस वाले वहां पे जिस जगह ये वाकया हुआ आए थे, उसको रिपोर्ट में उनका उस गाड़ी का नंबर भी उनको दिखाया था, फोटो कलर वगैरह उन्होंने गाड़ी का देख लिया, किस ब्रांड की है वो भी देख लिया। वो हुआ, उन्होंने बंदे की फोटो दिखाई कि ये बंदा ओनर है, ये था। मैंने कहा नहीं ये बंदा नहीं था, गाड़ी बहरहाल यही थी। उन्होंने कहा जी गाड़ी यही है, इसका ओनर ये है, तो हम पता करेंगे कि कौन बंदा है। तो आप ना कल आपको मैसेज आएगा, आपने वो फॉलो करना है, रोशिद हॉस्पिटल में जाना है। मैं रोशिद हॉस्पिटल में गया, वहां पे जो जो उन्होंने कहा रिपोर्ट करवाई मैंने, वो मेडिकल रिपोर्ट, उन्होंने बस पूछा कि आपको दर्द हो रही है। मैंने कहा नहीं दर्द कुछ नहीं हो रही, जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हुई। 160 दिरहम ऑलमोस्ट उनकी फीस थी जो मैंने वहां पे उनको जमा करवाई। उन्होंने कहा जी ठीक है अब आपको मैसेज आएगा, रिपोर्ट जो है फॉरवर्ड कर देंगे पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट गई, फिर दोबारा से मुझे मैसेज आया कि आपने फलां जगह पे जाना है और जाके आपकी पहले अपॉइंटमेंट बनाएंगे और जाके फिर आपका जो है बाकी डिटेल आपको वहां पे जाके पता चलेगी। मैंने वहां पे कॉल की, अपॉइंटमेंट बनाई, वहां पे डॉक्टर था, उसने दोबारा से मुझे सारी डिटेल पूछी, सारा वाकया पूछा, फिर उसने पूछा कि दर्द आपको यहां पे है, मतलब बड़े अच्छे तरीके से, बिल्कुल मुझे पता ही नहीं चला कि मैं किसी जगह पे वेरिफिकेशन दे रहा हूँ या किसी जगह पे कोई बयान दे रहा हूँ, यही पता चला कि मैं नॉर्मल जो है लोगों से ही बात कर रहा हूँ। वो वाला प्रोसेस हुआ, उन्होंने कहा जी ठीक है हम अब आपको मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा। उस टाइम 1-2 हफ्ते तक कुछ पता नहीं चला मुझे क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं है कि काम हो रहा है, रुक गया, क्या बना, मुझे तो यही था कि यार पता नहीं कोई एक्शन इस बारे में होता है या नहीं होता। तो जी फिर क्या होता है, अचानक से तकरीबन दो या ढाई हफ्ते के बाद मुझे मैसेज आता है कि जी आपका केस जो है प्रोसिक्यूशन में चला गया, तो प्रोसिक्यूशन वाले आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे। तो फिर क्या हुआ, आज सुबह मुझे कॉल आती है प्रोसिक्यूशन से कि आपको यहां पे आना पड़ेगा, यहां पे आप आइए। मैं वहां पे गया। अब मैं आपको एक असल चीज जो सारी स्टोरी सुनाने का मकसद था वो असल चीज बताता हूँ, जो मुझे जो मैं समझ रहा था कि अभी ये पता नहीं प्रोसेस इतने टाइम हो गया, कुछ आगे बढ़ भी रहा है कि नहीं, मुझे तो इसका कुछ पता नहीं चल रहा। तो आज मैं जब प्रोसिक्यूशन में गया, वहां पे जाके बैठा, तो वो वहां पे एक बंदा मेरे पास आया, बंदा मुझे कॉल आई, उन्होंने कहा फलां ऑफिस में जाइए। वहां पे गया, वहां पे अपनी जाके डिटेल दी, उन्होंने कहा जी वेट करें हम आपको बताते हैं। मैं वहां पे वेटिंग के लिए बैठा, तो मेरे पास एक वकील आता है वहां पे लोकल,
जो वकील था वो आके मुझे कहता है कि आपका नाम शहबाज है। मैंने कहा जी मेरा नाम शहबाज है। कहता है यार मैं वकील हूँ उस बंदे का जिस बंदे ने ये वाकया किया है, तो अगर आप चाहें तो हम मिलके बात कर सकते हैं। अब मुझे इस चीज़ के बारे में पता नहीं था बिल्कुल, क्योंकि ये अचानक मेरे साथ हुआ। मैं ऑलरेडी वेटिंग के लिए बैठा था, तो वो जो बंदे ने मुझे बिठाया था पुलिस वाले ने, उसने मुझे फ़ौरन बुलाया। वो कहता है कि आप यहाँ पे किसी से बात ना करें, आपका नंबर आ गया, आप अंदर चले जाएं। उस बंदे ने मुझे हत्तुल इम्कान कोशिश की, वो कहने की कि यार आप यहाँ पे अगर ख़त्म कर देते हैं बात को तो आपका जो जो भी नुकसान हुआ, जितने पैसे आप कहते हैं हम आपको दे देते हैं, लेकिन ये केस को यहाँ पर ख़त्म कर दे। लेकिन वो पुलिस वाला देख रहा था कि ये वकील जो है मुखालिफ पार्टी का, ये इसके पास आया और ये बात कर, उसने मुझे फ़ौरन वहाँ से कहा कि आप अंदर चले जाएँ। तो मैंने उसे कहा सॉरी यार मुझे अभी कुछ फिलहाल अचानक आपने ये बात की तो मुझे कुछ पता नहीं है, तो मैं अंदर चला गया। अंदर की स्टोरी में जज बैठा हुआ था यहाँ, जिसे लोकल जुबान में काजी बोलते हैं। उन्होंने मुझे पूछा क्या आपको अरबी आती है? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कि फिर थोड़ा थोड़ा टाइम रुके, हम आपके लिए ट्रांसलेटर बुलाते हैं। उन्होंने बुलाया जी एक ट्रांसलेटर को, उसने मुझसे सारी डिटेल पूछी ये वाकया कैसे हुआ। मैंने उसे हर चीज़ बताई, यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे बात हुई। फिर आगे जो ट्रांसलेटर था उसने बताया, वो जो जज था जो काजी था उनको बताया, जो ट्रांसलेटर था उसने फिर जैसे जैसे मैं उनको बता रहा था वो अरबी में ट्रांसलेट करके जो काजी साहब वहाँ पे बैठे हुए थे या जो जज साहब वहाँ पे बैठे हुए थे उनको सारी डिटेल में बता रहे थे कि ये वाकया ऐसा हुआ। तो उन्होंने कहा, जो काजी साहब वहां पे बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि जो बंदा आपके जो वकील आपके साथ बात कर रहा था, अब पता नहीं कि उन्होंने कैमरे पे देखा या उनको किसी ने बताया जो बाहर पुलिस वाला बैठा हुआ था कि एक वकील इनके साथ बात कर रहा था, तो कि वो वकील आपका है? मैंने कहा जी नहीं वो मेरा नहीं है वो शायद। तो उसने पूछा कि वो क्या बात कर रहे थे आपसे? मैंने कहा कि वो ये कह रहे थे कि अगर आप चाहें तो हम आपका केस जो है, अगर आप जाके अंदर कहते हैं कि हमें केस नहीं करना तो हम आपका जो नुकसान हुआ है वो पूरा कर देंगे, तो क्या आप ऐसा करना चाहते हैं? मैंने कहा कि मेरे लिए तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं है, मुझे मैं कन्फ्यूज़ हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा करूँ या ना हूँ। तो उन्होंने कहा, जो काजी साहब बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप ये जो केस है इसको आगे लेके जाएं, ताकि ये जो बंदा जिसने ये हरकत आपके साथ की है अगर वो कल को किसी और के साथ करेगा तो उसको पता लगना चाहिए कि ये इराक नहीं है। वो बंदा इराकी था, इराक का रहने वाला था, तो वो उसने ये आपके साथ किया, तो अगर आप उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेते हैं, अगर आप उसके खिलाफ नहीं जाएंगे कोर्ट में, तो वो बंदा कल को किसी और के साथ भी करेगा, तो बेहतर यही है कि आप ये सुलह ना करें, ये केस जो है आप लेके जाएं कोर्ट में, ताकि फिर उसको पता चलेगा जब कोर्ट पकड़ के उसको अंदर करेगा या जो भी इसके खिलाफ एक्शन लेगा उसको बुलाएगा फलां फलां बार बार उसको तारीखों के लिए बुलाएगा और उसको पता चलेगा कि किस तरीके से ज्यादती करते हैं किसी बंदे के साथ। जहाब ने जो बंदी थी वहां पे बैठी हुई, जब उन्होंने ये बात की तो मेरा ना एक दफा तो यार जब सीना ऐसे चौड़ा हो गया कि यार हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं कि जहां पे जो काजी हैं वो कह रहे हैं कि आप जाएं कोर्ट में और वहां पे इस बंदे को सजा दिलवाएं, ताकि इस बंदे को पता चले कि ये दुबई है, यहां पे इस तरह की हरकतें नहीं करनी, अगर आप आराम से रहना चाहते हैं तो आप रहें, कानून को फॉलो करें, किसी के साथ ज्यादती ना करें, फिर आप इस मुल्क में रहें, वरना छोड़ें इस मुल्क को और चले जाएं अपने मुल्क में जहां कहीं भी आप जाना चाहते हैं, अगर आपने प्रॉपर तरीके के साथ रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करना। एक दफा तो बंदा सोचता है कि यार क्या जबरदस्त मुल्क है कि जहां पे मुझे पता भी नहीं है कि यार मैंने जो केस किया था उसका क्या बना, तो दूसरी साइड पे वो बंदा अगर इराक में चला गया, वहां पे चला गया, उन्होंने बुलाया उसको वहां पे से वापस यहां पे कि तुम्हारे खिलाफ केस है, उस बंदे को जिसकी गाड़ी थी उस बंदे को उन्होंने पकड़ा कि ये गाड़ी का ओनर तो वो बंदा कहाँ है, वो बंदा ला के दो, हमें वो बंदा चाहिए जिस बंदे ने इस बंदे के साथ ज्यादती की है। उन्होंने बुलाया उसको बाहर से इराक से, उसको बुलाया दुबई में कि ये केस तुम्हारा है, इसको तो इस केस को तुम खुद ही भुगतो। तो यार अब आप बताओ कि जहां पे इतनी ज्यादा सिक्योरिटी। अच्छा फिर उन्होंने मुझे बात कही कि वो कोर्ट जो आपका जो केस है कोर्ट में चला जाएगा और आप चले जाएं घर, आपको कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोर्ट आपको तारीखों पे नहीं बुलाएगा, कोर्ट तरीकों पे बुलाएगा उस बंदे को जिसके खिलाफ ये केस है, आप मुद्दई हैं, आप परेशान मत हो, आप आराम से घर चले जाएं और आपका केस जो है वो चल रहा है। मुझे उन्होंने नहीं कहा कि कोई वकील कराएं या कुछ भी, सिर्फ मैं जो वहां पे बैठा हुआ जो ट्रांसलेटर उसको बता रहा था और वो ट्रांसलेटर आगे काजी साहब को सारी डिटेल बता रहा था। तो कहने का मकसद, सारी चीज बताने का मकसद ये है कि यार ऐसे मुल्क जहां पे
डेढ़ दो घंटे की फ्लाइट हो आपकी अपने मुल्क से दूसरी जगह एक ऐसा मुल्क में दुबई में आने के लिए, तो डेढ़ दो घंटे में दुनिया ही बदल जाती है कि जहां पे आप 100% सेफ हैं, कोई आपको टच भी नहीं कर सकता। अगर करेगा तो वो उसकी सजा भुगतेगा। अगर गैर कानूनी तौर पे उसने ज्यादती करने की कोशिश की किसी दूसरे के साथ, इसलिए 100% सेफ है ये कंट्री। अगर आप अकेले रहना चाहते हैं या अगर आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे सेटल होना चाहते हैं तो वेलकम, बेफिक्र होके। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं रहना, आइए यहाँ पे अपनी जिंदगी गुजारिए, तो आपको पता चलेगा कि आराम से सिक्योर तरीके पे जिंदगी गुजारना किसको कहते हैं। जब आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है, जहां पे आपको कोई परेशानी नहीं है कि आप जा रहे हैं बाहर, आपसे कोई मोबाइल छीन के ले जाएगा, आपसे कोई पैसे छीन के ले जाएगा, आपसे कोई गाड़ी छीन के ले जाएगा, आपकी फैमिली सेफ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। आप घर से बाहर जाएं, आपके घर में चोरी डकैती हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पे बिल्कुल सेफ है, 100% आप अगर यहाँ पे रहते हैं। मुझे दूसरे मुल्कों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है अपने मुल्क के लिहाज से, जो लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन है हमारे मुल्क में, भाई उससे 100 गुना बल्कि 1000 गुना बेहतर है। फुली रिकमेंडेड है कि जो लोग सोच रहे हैं कि हम आए ऐसे कंट्री में रहें, तो वो लोग यहाँ पे आए और अपनी जिंदगी गुजारने का असल मजा लें, कि आपको पता चले कि जिंदगी होती क्या है और बेफिक्री की जिंदगी गुजारना किसको कहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाली नई वीडियोस के लिए देखते रहिए। शहबाज हुसैन, द वर्ल्ड कीप वॉचिंग।